परीक्षा में गब्बर सिंह का चरित्र चित्रण लिखने के लिए कहा गया। दसवीं क्लास के एक छात्र ने लिखा, नंबर एक, सादगी भरा जीवन। शहर की भीड़ से बहुत दूर जंगल में रहते थे। एक ही कपड़ों में कई दिन गुजारा करते थे। खैनी के बड़े शौकीन थे। नंबर दो, अनुशासन प्रिय। कालिया और उसके साथी को प्रोजेक्ट ठीक से ना करने पर सीधे गोली मार दिए थे। नंबर तीन, दयालु प्रवृत्ति। ठाकुर को कब्जे में लेने के बाद ठाकुर के सिर्फ हाथ काट दिए थे, चाहते तो गला भी काट सकते थे। नंबर चार, नृत्य संगीत प्रेमी। उनके मुख्यालय में नृत्य के कार्यक्रम सदैव चलते रहते थे। महबूबा ओ महबूबा, जब तक है जान जाने जहां। बसंती को देखते के साथ ही वो समझ गए थे वो कुशल नृत्यांगना है। नंबर पाँच, हास्य रस के प्रेमी। वो काली और उसके साथी को हंसा हंसा कर मारे थे। वो खुद तो ठाका मारकर हंसते थे, वो उस युग के लाफिंग बुद्धा थे। नंबर छः, नारी सम्मान। बसंती के अपहरण के बाद उन्होंने सिर्फ नृत्य करने का अनुरोध किया था। नंबर सात, भिक्षुक जीवन। उनके आदमी गुजारे के लिए बस अनाज मांगते थे, कभी बिरयानी या चिकन टिक्के की मांग नहीं की। नंबर आठ, समाज सेवक। वो बच्चों को सुलाने का काम भी करते थे। सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। टीचर ने जब पढ़ा तो टीचर की आंखों में आंसू आ गए। टीचर बोला, सारी गलती जय वीरू की थी।